नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी जो कि थी बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मॉडल पेपर की, ठीक है, तो उसमें मैंने, आप सभी को पता है कि बीए का जो फर्स्ट पेपर यानी कि हिंदी इंग्लिश जो भी होते हैं उसमें 100 नंबर के होते हैं, तो जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी वो 100 नंबर के उसमें मार्क्स होते हैं, यानी कि 100 नंबर के होते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने उसमें आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताए थे, यानी कि 50 क्वेश्चन के लगभग बताए थे, यानी एक से लेकर कितने तक बताए थे, 48 तक आप लोगों को मैंने 48 क्वेश्चन बताए थे। तो बाकी मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं जब कल वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें आप लोगों को बता दूँगा। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं पूरे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे 48 से यानी कि 49 से लेकर 100 तक, यानी कि 50 क्वेश्चन मैंने आपको कल बताए थे, 48 क्वेश्चन और बाकी के 52 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन मैनेज करके यानी पढ़ के जाते हैं अच्छे से, क्वेश्चन का आंसर आप थोड़ा एक्सप्लेन करके समझ लीजिए और नेट पर भी सर्च कर लीजिएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा और बहुत सारी जानकारी, तो आपको पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी। तो आपको इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन देखना है। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2019 का है, तो अब 2020 में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, जो हमारे स्टूडेंट बीए बीएससी बीकॉम के देख रहे हो, वो स्टूडेंट अगर उनको कोई भी मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं, मैं उनकी भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे मुझे थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे क्योंकि मोटिवेट फील होता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो फिर मैं कहीं ना कहीं से किसी ना किसी से मॉडल पेपर लेके आप लोगों को तो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। चलिए आज के इस टॉपिक की बात, यानी कि आज जो वीडियो है इसके बारे में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि मॉडल पेपर कहाँ से डाउन, जैसे कि आपको PDF चाहिए तो मैंने आप लोगों को बताया था कहाँ से डाउनलोड करना है। और अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें 1 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको 50 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन आज इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कविता करके तुलसी नल से कविता लसीपा, तुलसी की कला उक्ति किसकी है। तो नंबर एक है पंत जी, नंबर बी है निराला जी, सी नंबर है हरिओत जी, डी नंबर है घनानंद जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है, अगर आप सभी को मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बेसिक बता सकते हैं, इससे आपको आइडिया और गेस्ट भी लग जाएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आप लोगों को आंसर बताने वाला नहीं हूँ, जब मैं नेक्स्ट यानी कि कल से जो वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आप लोगों को मैं आंसर बताऊँगा, ठीक है। आयो घोष गौड़ो व्यापारी में सूरदास ने किसे व्यापारी कहा है। तो नंबर एक है अकूर, बी नंबर सुदामा, सी नंबर कृष्ण, डी नंबर उधो, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा। तो नंबर एक है डॉक्टर नामवर सिंह, परमानंद श्रीवास्तव, हाजी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसे कहा गया था। तुलसीदास, केशवदास, सी नंबर कबीरदास, डी नंबर कुमदास। तो ये 4 ऑप्शन जो करेक्ट होगा आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे, कल फिलहाल मैंने बता दिया था आप लोगों को क्या प्रोसेस होता है, जो बीए का एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सभी वो 100 मार्क्स होते हैं, यानी कि 100 नंबर के होते हैं, और सभी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। जब आप, जैसे आपको लगे कि इसमें करेक्ट आंसर जो भी आपका हो, जैसे 52 है तो इसमें जो करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करके आप OMR शीट में आपको मिलेगी, उसमें गोला ऐसे रहेंगे, जो भी सही रहेगा A लिखा रहेगा, B लिखा रहेगा, C, तो आपको लगेगा जैसे कि B सही, तो आप B पे गोला बना दीजिएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो आपको ऐसे फिल करना है OMR शीट। अगर नहीं मालूम जिन स्टूडेंट को तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बता दिया है, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, फिलहाल आप समझ जाएंगे खुद ही। अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इसका जो क्वेश्चन आज बता रहा हूँ इसका मैं आंसर पूरी तरह से अच्छे से निकाल के उसके बाद मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तब। पद्मावत का
रचना काल क्या है, तो इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए नंबर 1927 ईस्वी, बी नंबर 1200 ईस्वी, सी नंबर 1550 ईस्वी, डी नंबर 1660 ईस्वी। डी नंबर है रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई थी हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने, सी अकबर ने, डी जहांगीर ने। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिन स्टूडेंट ने ट्वेल्थ में अच्छे से हिंदी पढ़ी होगी उन लोगों को भी ध्यान होगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन हमारे ट्वेल्थ और टेंथ में भी थे, तो उनको आइडिया लग जा रहा है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो ट्वेल्थ और टेंथ से ही मिल जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फिलहाल मैं आप लोगों की मदद पूरी तरह से करने के लिए तैयार हूँ, जब मैं कल नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें सब आंसर बताते चला जाऊँगा आप लोगों को, कल की जब वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कबीर की मृत्यु कब हुई, ये पूरे आप 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये सारी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ जिससे आप लोगों को ये क्वेश्चन भी मिल जाएँ तो आप लोगों को आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। अब आप चाह रहे होंगे कि इसकी PDF मिल जाती तो और बेटर होता, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यानी कि इस वेबसाइट पे, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, यहाँ पर मैं सभी जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनकी PDF यहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा, और आप लोगों को इन्फॉर्म जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा उसके बाद इन्फॉर्म कर दूँगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये आपकी वेबसाइट है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर जैसे ओपन होगा तो वहाँ पर लिखा रहेगा BA हिंदी मॉडल पेपर और BA इंग्लिश मॉडल पेपर, BSc फिजिक्स मॉडल पेपर, BSc जूलॉजी मॉडल पेपर, ये सब आपको वहाँ पर वेबसाइट पे मिल जाएंगे, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको लगा हो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ना दी हो तो आप कमेंट में बेशक पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।